कोई वहाँ पर इलेक्टेड, आप कह रहे हैं कि हम जी वहाँ के इलेक्टेड गवर्नर साहब के मशवरे पर कॉन्फ्रेंस, उनकी कॉन्फ्रेंस लेकर, कंजर लेकर, जनाब वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की कल्पना ही नहीं है, क्योंकि हर एक कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन जो होता है वहाँ उसकी इलेक्टेड गवर्नमेंट होनी चाहिए, क्योंकि द नेचर ऑफ द पावर। आप खुद क्या हमारे प्रेसिडेंट साहब खुद अपने रिप्रेजेंटेटिव से, अपने अपॉइंटी से कॉन्फ्रेंस लेंगे? कैसी बात है, आप तो इतने विद्वान हैं, जिस कल्पना जिस कॉन्फ्रेंस और की वो इलेक्टेड गवर्नमेंट की हो, और इलेक्टेड गवर्नमेंट इज नॉट इन प्लेस, सो व्हाट एवर इज बीइंग डन दैट इज नॉट इन ट्यून विद इन कॉन्सेंस विद द कॉन्स्टिट्यूशन। तो जनाब कॉन्स्टिट्यूशन का एक असॉल्ट किया जा रहा है, अगर कॉन्स्टिट्यूशनल मैकेनिज्म फॉलो करके कोई चीज की जाए, और आपको और दूसरी बातें करें डेवलपमेंट होगी। बस जनाब हमारा जो जम्मू कश्मीर है वहां पर एक भी सुसाइड नहीं है, फॉर्मल सुसाइड, वी आर वेल ऑफ, हमारा पर कैपिटा है सबसे ज्यादा देश से, हमारी 8 यूनिवर्सिटियां हैं, दो जम्मू, एक जम्मू, एक श्रीनगर, एक माता वैष्णो देवी, एक बाबा गुलाम शाह, दो सेंट्रल यूनिवर्सिटी और इस्लामिक यूनिवर्सिटी, 8 यूनिवर्सिटियां हमारी हैं, हमारा हमारा और लद्दाख, और लद्दाख को यूनिवर्सिटी, लद्दाख की यूनिवर्सिटी भी, वो तो इन्हीं का काम था, इन्हीं का। तो जनाब हमारा कोई सदस्य, आपको मौका दूंगा, उतना ही मौका आपको दूंगा, उतने समय हमारी कोई स्टार्वेशन डेथ नहीं है जनाब, हमारा कोई फॉर्मल सुसाइड नहीं, हम वेल ऑफ है, हमारा टूरिज्म है, हमारा हॉर्टिकल्चर है, हमें 370 उठा के किसी भी डेवलपमेंट की जरूरत नहीं है, हमारी आइडेंटिटी, हमारी पॉलिटिकल एस्पिरेशन, हमारी जो हमारा ऑटोनॉमी, वही हमें सबसे ज्यादा प्यारा है। और हमने कुनाली कुट्टी जी, तो जनाब मैं इसके विरोध में खड़ा हूँ, और मैं सदस्य बात तो कही नहीं, तो सदन में कोई ये नहीं बता रहा कि पक्ष में खिलाफ में है इस बिल के, तो मैंने पहले ही कहा मैं विरोध में खड़ा हूँ, मैंने पहले ही खड़ा, मैं मुखालफत में खड़ा हूँ, और मैं अपेक्षा करता हूँ सर,